इस दम बिरयानी के लिए सारे मसाले हमारे वो ही कटी हुई फ्रेंच बीन्स, धनिया पत्ता, जीरा, दूध, अदरक, लहसुन का पेस्ट, दही, अदरक, गरम मसाले, बिरयानी में घी। सबसे पहले हम कढ़ाई में डालेंगे घी। ये घी कढ़ाई में डाल के घी को गर्म करेंगे। इसमें काफी सारा घी कढ़ाई में। अब हम इसमें डालेंगे तेज पत्ता। ये तेज पत्ता पहले डालेंगे, फिर इसमें जीरा। ये जीरा हमने डाल लिया इसमें डालेंगे हम इलायची, हरी इलायची। मिक्स करके पकाएंगे कुछ देर तक तेल में, घी में। और इसमें हम डालेंगे लहसुन कटी हुई, लहसुन, अदरक कटी हुई, इसको मिक्स करेंगे कुछ देर तक। ऐसे चलाएंगे कटी हुई गोभी डाल देंगे और गोभी को भी मिक्स करेंगे। फूल गोभी हमारा घी में, और ये इसे मिक्स कर लेंगे। इसमें डालेंगे फ्रेंच बीन्स, ये हमारा फ्रेंच बीन्स, बीन्स कटी हुई, गाजर, इसको चला लेंगे। सबको मिक्स कर देंगे। ये सब ग्रीन वेजिटेबल। अब इसमें डालेंगे नमक। ये नमक हमने डाल दिया और इसको चला के मिक्स कर लेंगे नमक को। के पकाएंगे हम कुछ देर तक। थोड़ा पक चुका है और इसमें हम डालेंगे बिरयानी मसाला, गरम मसाला, और इसको मिक्स कर लेंगे हम ग्रीन वेजिटेबल में। ये गरम मसाला हमारा मिक्स हो रहा है इसमें। अदरक लहसुन का पेस्ट हमने डाल लिया। ये अदरक लहसुन का पेस्ट इसको मिक्स कर लेंगे। ऐसे ऐसे मिक्स कर लेंगे। और इसको हम ढक देंगे जिससे हमारा ये अदरक लहसुन पक जाए, पक जाएगा। और इसमें डालेंगे हम ये दही। ये ग्रीन वेजिटेबल में दही इसको मिक्स कर लेंगे। दही को ऐसे ग्रीन वेजिटेबल में मिक्स करेंगे। हमारा पक रहा है और ये चावल हमने भिगो के कुछ देर तक रख दिया था, इसमें डाल के मिक्स करेंगे ग्रीन वेजिटेबल के साथ। ये चावल को हमने ढक दिया। इसके ऊपर से डालेंगे हम कटी हुई धनिया पत्ता। इसको मिक्स कर लेंगे धनिया पत्ता को चावल में। चावल में मिक्स करेंगे।
इसके ऊपर डालेंगे हमने दूध, ये दूध हमने डाल लिया, फिर हम इसको चला लेंगे। डाल के हमने चला लिया, इसको ढक देते हैं। चला देंगे और ये पानी डाल लेंगे हम इसमें, पानी डाल के चला लेंगे। ये हमने चला लिया पानी डाल के, और ये ऊपर से बिरयानी मसाला, और ये धनिया पत्ता ऊपर से हम और डाल देंगे, धनिया पत्ता हमारा इसके अंदर, और इसको ढक देंगे। ये रेडी है हमारा दम बिरयानी।